बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन बुक 4। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम इस बुक को स्टार्ट कर चुके हैं और हम इसका जो चैप्टर नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी, वो पढ़ चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे पेज नंबर 31 पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो ड्रॉप क्यों किए हैं। ये मैंने ड्रॉप नहीं किए, मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपका फर्स्ट टर्म का पेपर पैटर्न जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए, लाइक उसमें डिफरेंट जो हैं आपको यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि अगर एक ही टॉपिक के ऊपर मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगी तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम पार्ट 1 पढ़े थे आवर सेल्स, उसका एक यूनिट हमने पढ़ा था द ह्यूमन बॉडी। देन आज हम स्टार्ट करेंगे एट पेज नंबर 31 पार्ट 2 लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 31। ओके, हियर इज पेज नंबर 31। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिकॉल कि कुछ रिकॉल पॉइंट्स हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमेशा आपके किसी भी जो चैप्टर के बिल्कुल टॉप पे जो रिकॉल पॉइंट्स होते हैं उनका मतलब होता है कि आप ये पॉइंट्स पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सो हम आपको इनकी याद दहानी करवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। रिकॉल पॉइंट्स क्या हैं? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, ईट एंड रिप्रोड्यूस। तमाम जो जानदार अशिया हैं वो सांस लेती हैं, महसूस करती हैं, बढ़ती हैं, हरकत करती हैं, खाती हैं एंड रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन के अमल से गुजरती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ। तमाम जानदार अशिया को हवा, पानी, नामियात मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ और एक हद तक हीट की ज़रूरत होती है। So, animals and plants depend on each other. Animals और plants एक दूसरे पर depend करते हैं, अनासार करते हैं। किस लिए अनासार करते हैं? Food के लिए। And ये आगे आप पढ़ेंगे मज़ीद। अच्छा, animals and plants depend on each other. We must take care of plants and animals to keep a proper balance. हमें एनिमल्स और प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्यों उनको उनका ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि उनसे हम फूड लेते हैं। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज़ ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। अच्छा, जो एनिमल का लाइफ साइकिल है उसमें वो तमाम स्टेजेस होती हैं जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। सो ये हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह सारा। तो अभी आपके ये रिकॉल पॉइंट्स थे एंड देन हम पढ़ते हैं कि यू विल लर्न दिस इन दिस लेसन, व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेसन। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि तमाम जो जानदार अशिया हैं, इंसान या एनिमल्स, वो तमाम जो हैं सेल्स पे बेस करते हैं। कई मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं उनसे मिलकर बनते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि तमाम जो जानदार अशिया हैं उनको क्या चाहिए ज़िंदा रहने के लिए? हवा, पानी, नामियात, फूड एंड लाइट और एक हद तक हीट। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इनसार करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तमाम जो जानदार अशिया हैं उनका एक लाइफ साइकिल है और उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं कुछ खसूसियात कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जैसे हम पढ़ते आए हैं कि इंसानी बॉडी या तमाम जो जानदार अशिया हैं वो क्या हैं, वो सेल्स से मिलकर बने हैं. द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, बुनियाद है ज़िंदगी की. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, यहाँ पे आपको जो दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो एक है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल. ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें कॉमन हैं, यहाँ हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल जो है वो एक प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. यू कैन सी इन द फिगर लाइक ये सेल वॉल है और यहाँ पे सेल वॉल नहीं है. ठीक है, ये दोनों में कॉमन नहीं है. सो इसको पहले पढ़ लेते हैं. सेल वॉल, इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. अच्छा, ये जो सेल वॉल है ये एक टफ मटेरियल से मिलकर बनती है जिसको सेलुलोज कहते हैं, और ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को. ठीक है, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करती है. देन उसके बाद जी क्लोरोफिल. क्लोरोफिल भी जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है. क्लोरोफिल जो है वो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता. क्लोरोफिल क्या है? प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड. क्लोरोप्लास्ट क्या है वो ये आप देख सकते हैं, आपने पीछे भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये ग्रीनिश पार्ट जो है ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि सूरज से एनर्जी लेता है और वो एनर्जी जो है यहाँ से पौधे लेकर अपनी खुराक तैयार करते हैं. इसके बाद जी पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन. दोनों में कॉमन है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है. ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये देखें. ठीक है, ये जो इसका आउटर पार्ट है और ये इसकी सेल वॉल से अंदर है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल है. तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? इसकी ये सेल वॉल से अंदर है प्लांट सेल में, और ये इसका आउटर पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. इट अलाउज़ ओनली सर्टेन मटीरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट आल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप. सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि कुछ मखसूस मटीरियल्स जो हैं सिर्फ उनको अलाउ करती है इन आउट होने के लिए. इसके अलावा ना तो सेल से कोई चीज़ बाहर आ सकती है और ना अंदर जा सकती है. ये इसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और इसके अलावा क्या उसको शेप भी देता है. सेल मेम्ब्रेन से सेल को शेप भी मिलती है. ठीक है, न्यूक्लियस. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ये और ये. ठीक है, दोनों में कॉमन है. साइटोप्लाज्म, इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल. अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, that fills the cell. all the organelles of the cell are suspended or floating in it. अच्छा, तमाम ये जो है ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं लाइक जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन सॉरी क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल और न्यूक्लियस वगैरह ये जो हैं साइटोप्लाज्म पे तैरते रहते हैं या मुहल्लिक रहते हैं. सस्पेंडेड होता है मुहल्लिक रहना. ठीक है, वैक्यूल, द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. वैक्यूल का क्या फंक्शन है कि ये वाटर स्टोर करता है और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है और निकालता है. ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन. दोनों में सेल मेम्ब्रेन है. दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. दोनों में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है. अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है. एंड एनिमल्स हैज़ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स. अच्छा, और प्लांट सेल के अंदर मेनी वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे. ठीक है, और इसमें क्या है ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा वैक्यूल है ये जो आपका पर्पलिश कलर बीच में आ रहा है ना, ये वाला ये वैक्यूल है इसका. So, plant cell also contains cell wall and chloroplast. प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होती है और
क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं है और इसका प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और इसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से अंदर होती है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूरज से रोशनी लेके क्लोरोफिल रेडी करता है, और उस क्लोरोफिल से क्या होता है पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। ओके, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अलाइव। यानी कि ज़मीन के ऊपर बहुत सारी इकसाम की जानदार अशिया हैं, व्हाट इज मीन टू बी अलाइव, जिंदा रहने का क्या मतलब है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू आल ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, जो जिंदा अशिया हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनके अंदर कौन सी खसूसियात हैं जो उनको मुख्तलिफ करती हैं बेजान चीज़ों से, नॉन लिविंग थिंग बेजान चीज़ों से। लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार अशिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं। सो नंबर वन, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड फूड, उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस, फूड गिव्स देम एनर्जी। अच्छा, तमाम लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है अपने प्रोसेसेस तमाम काम करने के लिए, और फूड क्या करती है, फूड उनको एनर्जी देती है, तवानाई देती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जानवर जो हैं वो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, या किसी दूसरे जानवर को खा के या प्लांट्स को खा के। प्लांट्स पोजेसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोफिल सूरज से जो है रोशनी लेता है, और उस क्लोरोफिल से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैन मूव बाय, अच्छा, रिस्पायर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। अच्छा, जब वो सांस लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, बोथ जो है प्लांट्स एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पायर सांस के लिए बाहर निकालते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इनके फूड को ब्रेक डाउन करती है, और जिससे ये एनर्जी हासिल करते हैं। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस यूज देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कुछ एनिमल्स और इंसान क्या करते हैं, अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, अंदर लेके जाने के लिए, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स, लाइक, और कुछ दूसरे जो हैं वो अपने स्किन और गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, जैसे कि फिशेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। कैन मूव बाय देमसेल्व्स, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, सर्च ऑफ फूड, खाने के तलाश में, वाटर पानी के लिए, शेल्टर पना के लिए, एंड टू अवॉइड डेंजर और ख़तरे से बचने के लिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, लोकोमोशन। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे, अच्छा, प्लांट्स भी मूव करते हैं। अब ये बड़ी हैरान कन बात है, इसको पढ़ते हैं भाई कैसे मूव करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, यहाँ इस मूवमेंट से मुराद ये है, दे नीड नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता अपना फूड रेडी करने के लिए, बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट, उनके कुछ मखसूस पार्ट्स हैं जो मूवमेंट पैदा करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, जैसे के पत्ते जो सूरज से रोशनी लेके तो खुराक बनाते हैं। सो इस टाइप की इनकी मूवमेंट है। देन हैव सेंसिटिविटी, लिविंग थिंग्स रिस्पोंड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट। जो जानदार अशिया हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं या रिएक्ट करती हैं जो उनके इर्द गिर्द के माहौल में हो रहा होता है। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेज इट इज़ इन डेंजर, जब एक एनिमल को पता चलता है कि वो खतरे में है या उसके इर्द गिर्द खतरा है, इट रन्स फॉर सेफ्टी, वो अपने हिफाजत के लिए भाग जाता है।
यू रिमूव योर हैंड क्विकली वेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट. अच्छा, जब आप किसी तेज गर्म चीज़ के साथ आपका हाथ लग जाता है तो क्या करते हैं आप, फ़ौरन से उसको पीछे कर लेते हैं. द लीव्स ऑफ द मेमोजा प्लांट्स क्लोज वेन यू टच देम. अच्छा, ये मेमोजा प्लांट्स है एक, जिसको आप हाथ लगाते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाई विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ. एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. इफ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट. अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोड्यूस क्या करते हैं वो, लाइक उनका एक लाइफ साइकिल है एग्स, कुछ का एग्स के थ्रू, लाइक वो एक सारा प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे. सो यहाँ क्या, एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. एनिमल्स जो हैं वो बच्चे देते हैं, पैदा करते हैं. एंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स जो हैं वो बीज प्रोड्यूस करते हैं. इफ़ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस, अगर जो तमाम जानदार अशिया हैं जो, अगर वो रिप्रोडक्शन के अमल से ना गुजरें तो इट कैन डाई आउट, यानी कि वो ख़त्म हो जाएँ बिल्कुल. सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एक्सक्रीट. All living things produce waste material. Removal of waste products from the body is called excretion. अच्छा जी, जैसे आप फूड लेते हैं और वो उसका तमाम प्रोसीजर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, और उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और देन वो एनस के ज़रिए जो वेस्ट मटीरियल निकलता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, सो अगर आप इस अमल से ना गुजरें तो आपको, आपके लिए बेहद परेशानी हो जाए. लाइक लेट सपोज़ अगर आप खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता, आप प्रॉपरली आपके स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, या आपको कोई एब्डोमिनल पेन हो जाती है, या आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से, या प्रॉपरली जो है आपका एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होता, लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत पेनफुल होती हैं. सो तो जो एक्सक्रीशन का अमल है ये भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ग्रो आल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. तमाम जानदार अशिया जो हैं वो बढ़ती हैं और उनका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है. आल, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आल एनिमल्स हैव बेबीज which grow and resemble their parents. Adult plants produce seeds which grow to make new plants. तमाम एनिमल्स जो हैं उनके बेबीज होते हैं which grow and resemble, जो बढ़ते हैं और resemble करते हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं like their parents, अपने parents के साथ. Adult plants produce seeds, जो plants बड़े हो जाते हैं grow करते हैं, उनके अंदर कुछ बीज आ जाते हैं, और बीज के ज़रिए हम क्या करते हैं दोबारा से प्लांट उगा लेते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वी डिपेंड ऑन ईच अदर. आल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर फूड मिनरल्स लाइट एंड वार्म्थ. जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि वी विल लर्न फ्रॉम दिस लेसन. आल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर फूड मिनरल्स लाइट एंड वार्म्थ, के तमाम जो जानदार अशियाँ हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा पानी खुराक नामियात मिनरल्स रोशनी और कुछ हद तक हीट. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ज़िंदगी के लिए, गुजारने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विद फूड. पौधे जो हैं वो इंसानों को और एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं क्या, फूड. दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन. अच्छा, इसके अलावा पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिस जो हम हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं. ह्यूमंस एंड ऑक्सीजन एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, सॉरी ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स और इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो प्लांट्स से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, देन हमारे लंग्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं. सिकुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, देन वो रिलैक्स करते हैं जब हमारे लंग्स मस्कुलर जो पार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाई प्लांट्स टू मेक फूड. अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए. एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैनोर. मैनोर लाइक
खाद फर्टिलाइजर यू कैन से डेड डिके ऑफ द एनिमल्स बॉडी. जैसे कि कुछ एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं तो वो दोबारा सॉइल के अंदर मिक्सअप होके उनके कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को दोबारा से मिल जाते हैं, वो उनके लिए खाद का काम करते हैं. इन दिस वे प्लांट्स गिव सम थिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न. इस तरीके से प्लांट्स जो हैं कुछ देते हैं और रिटर्न में कुछ लेते हैं. इस फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक लड़का ह्यूमन बीइंग्स को. ये प्लांट्स हैं एंड ये एनिमल, ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देखें, ये ऑक्सीजन जो है वो आ रही है, ठीक है, यहाँ से इनहेल हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है जिसको पौधा ले रहा है अपनी खुराक बनाने के लिए. अब यहाँ से ये जो एनिमल्स हैं ये देखें ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट से, ठीक है, और ये इससे फर्टिलाइजेशन हो रही है, और ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे क्या हैं, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और फूड ले रहा है प्लांट से, और इसका ये जो फर्टिलाइजेशन है वेस्ट मटेरियल है, और जो ये एक्सहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्री प्लांट ले रहा है अपनी खुराक तैयार करने के लिए. सो टर्न द नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपके पेज नंबर 34 पे है कॉन्सेप्ट चेक, इसको देख लेते हैं. अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट स्पेसेस बिलो. अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं जैसे आपका वर्ड पजल होता है, लाइक जंबल वर्ड्स यू कैन से. तो ये स्पेलिंग्स इनके मिक्सअप हैं, इनको आपने ठीक करके यहाँ पे लिखना है. मैं आपके लिए कर देती हूँ. लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर. इसमें देखें हमने पीछे क्या पढ़ा था, लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर. यहाँ पे आपने ये लिखना है, इसके स्पेलिंग करेक्ट करके ये आपने खुद लिखना है. नेक्स्ट वन इज प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद डैश इन डैश विद फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है. इसके स्पेलिंग आपने ठीक करके लिखने, ऑक्सीजन एंड फूड. प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है थर्ड वन, ठीक है. इसको आपने ठीक करके लिखना है, स्पेल ठीक करके लिखना है. ये जंबल वर्ड्स हैं, अनस्क्रैम्बल, स्पेलिंग आगे पीछे हैं, इनको आपने लिखना है. देन हम देखते हैं लाइफ साइकिल. ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ. तमाम जो एनिमल्स हैं, जानदार हैं, वो अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं. यू वर बॉर्न एज अ बेबी एंड देन यू डेवलप्ड इनटू अ चाइल्ड. आप एक बेबी की तरह पैदा हुए एंड देन डेवलप्ड इनटू अ चाइल्ड, फिर आप एक बच्चे बन गए. नेक्स्ट यू विल डेवलप इनटू अ टीनेजर, देन आप क्या हुए, टीनेजर हो गए. टीनेजर होते हैं आपकी एज जो है वो 18-19 तक की एज होती है. एंड देन यू विल ग्रो इनटू एन अडल्ट, फिर आप और बड़े हो गए, लाइक जो 20th से अबाव यू कैन से. यूजुअली अ काफ विल बी अप इन वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न. अच्छा, जो काव का जो बच्चा होता है वो क्या है कि वो बर्थ के बाद 30 मिनट्स के बाद वो वॉकिंग करना शुरू कर देता, चलना शुरू कर देता है. ह्यूमन बेबीज टेक मच लॉन्गर टू डेवलप. लेकिन इंसान का जो बच्चा है, ह्यूमन बेबीज जो है वो एक बड़ा काफ़ी टाइम लेता है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए. सो डिस्कस एन आंसर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आपका ग्रीन कॉर्नर है, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ. अगर आपसे हो सका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लाइक जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ आपका लाइफ स्टेज. सो डिस्कस द फॉलोइंग एंड से हाउ ओल्ड यू वर और थिंक यू माइट हैव बीन व्हेन द फॉलोइंग हैपन टू यू. कि आप डिस्कस करें कि आप किस एज, किस टाइम किस एज के थे और आपने किस वक्त क्या किया और आपके साथ कब क्या हुआ. सो फर्स्ट टूथ, आपने पहला जो दांत है वो कब निकाला. फर्स्ट वर्ड, आपने फर्स्ट वर्ड कब बोला. फर्स्ट स्टेप, आपने पहला स्टेप कब लिया. ये जो पोर्शन है ये आप खुद नहीं कर सकते, आपकी जो मम्मी हैं वो आपकी हेल्प करेंगी इसमें. लर्न टू रीड, आपने कब पढ़ना सीखा. लर्न टू राइड और राइड ए बाइक, आपने कब बाइक चलाना सीखा या साइकिल या योर टॉय लाइक फॉर राइडिंग.
टॉय साइकिल जैसे होता है घर में, आप एक बड़ा बाइक या राइड नहीं, उसकी बात नहीं हो रही क्योंकि आप क्लास फोर के स्टूडेंट हैं, आप अभी बाइक राइड नहीं कर सकते। लर्न टू टाई शू लेस, कब आपने अपना शू लेस बंद करना सीखा। विच थिंग्स डिड यू लर्न टू डू क्विकली, कौन सी चीज़ें आपने बहुत जल्दी सीख ली। विच थिंग्स टुक शू लॉन्गर, और कौन सी चीज़ें सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा। सो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे ज़रूर लाइव पूछती। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका ये लाइफ स्टेज किस किस तरह से हुआ, इसको डिस्कस कीजिएगा। सो हम ऑन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फिश का लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है फिश के एग्स, एग से फ्राई बनता है और फ्राई से देन फिश। ये इसके थ्री लाइफ स्टेजेस होते हैं, फिश के लाइफ स्टेजेस थ्री होते हैं। मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई, द फ्राई बिकम्स अडल्ट्स। जैसे कि बहुत सारे जो फिशेज हैं वो एग्स देते हैं और देन बेबीज जो हैं वो अंडे से निकलते हैं और फ्राई बनते हैं, और फ्राई से क्या है अडल्ट बन जाते हैं, यानी कि एक मछली बन जाती है बड़ी। फ्रॉग्स आर, अच्छा अब यहाँ पे फ्रॉग का लाइफ साइकिल है और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में फोर स्टेजेस हैं। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, दे आल्सो ले एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन इन वाटर। टैडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, द टैडपोल्स ग्रो लेग्स इन लॉस देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग्स। ये देखें इसका लाइफ साइकिल जो है, एग्स के एग्स हैं ये इसके फ्रॉग के और इनको स्पॉन बोलते हैं। देन उसका जो सेकेंड स्टेज है टैडपोल है, लाइक इसकी सिर्फ जो है टेल नज़र आ रही है, ठीक है। देन इसकी टेल जो है वो ख़त्म होकर ये प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, लेग्स इसकी नज़र आने लग जाती हैं, देन ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। एंड गो नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, बड़ा डिम सा लिखा हुआ है, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स हैव अ थ्री स्टेज लाइफ साइकिल्स इन अदर्स हैव अ फोर स्टेज लाइफ साइकिल्स। कुछ इंसेक्ट्स के थ्री लाइफ स्टेजेस होते हैं और कुछ के फोर लाइफ स्टेजेस होते हैं। सो ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स दैट हैव अ थ्री स्टेजेस लाइफ साइकिल। ग्रास हॉपर और जो कॉकरोचेस हैं उनके थ्री लाइफ स्टेजेस होते हैं। अ निम्फ हैचेस फ्रॉम द एग, इट looks and behaves just like an adult cockroach, every now and then it sheds its skins molts। अच्छा मोल्ट्स जो है ना वो होता है जो जिसके अंदर इसकी स्किन के फीदर्स और जो हेयर और ये प्रोसीजर है एक लाइक जिसमें इनकी स्किन और फीदर्स और जो बाल होते हैं वो झड़ते हैं और दोबारा उगते हैं, ये एक वो स्टेज है जिसको मोल्ट्स कहते हैं। सो यहाँ पे इसका लाइफ स्टेज देख लेते हैं हम। ये देखें एग्स देन निम्फ एंड देन ग्रॉस हॉपर, थ्री स्टेजेस हैं, ठीक है। एंड हमने देखा ना यहाँ पढ़ा कि निम्फ जो है वो हैच आउट होता है तो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो अडल्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसका और इसका कुछ डिफरेंस नहीं है, लाइक उसके प्रॉपर पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं एंड देन वो फौरन ग्रो करता है। इसके थ्री लाइफ स्टेजेस हैं। सो टर्न द पेज, बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ फोर स्टेजेस लाइफ साइकिल। द एग्स हैज अ लावा कम्स आउट, द लावा ग्रब कैटरपिलर और मगोट फीड्स एंड ग्रो, इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून, दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, व्हेन द प्यूपा ओपन्स द अडल्ट इंसेक्ट्स कम्स आउट। अच्छा यहाँ पे आपको दो लाइफ साइकिल दिए हुए बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई के, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो है वो उसका लाइफ स्टेज क्या है, यहाँ पे देखते हैं। एग्स देन लार्वा देन प्यूपा एंड बटरफ्लाई, फोर स्टेजेस हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई का क्या है, अच्छा ये बटरफ्लाई के लिए ग्रब और कैटरपिलर यूज़ हुआ है, ठीक है। मगोट जो है वो यूज़ हुआ है हाउस फ्लाई के लिए, और ये जो क्या है, इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून, कोकून जो है दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, ये जो स्टेज है इसको कोकून कहते हैं, ठीक है। ये ठीक हो गया, ये ओके।
सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और क्या चीज़ डिफरेंट है. ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज, वी आर ह्यूमंस, वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशंस. तमाम लोग जो हैं वो एक किस्म के जानदार हैं, यानी कि एक स्पीशीज़ होता है एक किस्म के जानदारों का कोई ग्रुप, ठीक है. वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, वी लुक सिमिलर, हम एक जैसे दिखाई देते हैं, बट वी हैव डिफरेंसेज एंड वेरिएशंस, लेकिन हमें कुछ मुख्तलिफ है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं. ह्यूमंस लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज, और इंसान जो हैं वो बटरफ्लाइज की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई देते. वी हैव सम सिमिलर फीचर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज विद लॉट्स ऑफ ऑबवियस वेरिएशंस. अच्छा, यहाँ पे दिया गया कि वी हैव सम सिमिलरिटीज़, तो इंटरनेट पे सर्च करने के बाद अगर आप कभी सर्च करें, तो मैंने सर्च किया था, उसमें पता चला कि ह्यूमन और एक बटरफ्लाई में करीबन 17 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है. कुछ 17 खसूसियात एक जैसी हैं, जिसमें से लाइक आइज और ड्रिंकिंग वाटर, ये इस टाइप की चीज़ें आप ज़रूर कभी इंटरनेट पे देखिएगा. सो हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक लिटिल बट लाइक देयर मदर एंड लिटिल बट लाइक देयर फादर. आपने कभी नोटिस किया कि लोग थोड़े से अपने फादर की तरह, थोड़े अपनी मदर की तरह दिखाई देते हैं. जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा कुछ कुछ अम्मी की तरह है, कुछ कुछ अब्बू की तरह है, कुछ रिजेम्बलेंस है भाई दोनों की तरह. दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज आइदर पेरेंट्स. कोई भी बच्चा बिल्कुल एक पेरेंट की तरह नहीं होता, यानी कि ना तो बिल्कुल अम्मी जैसा होता है ना फादर जैसा बिल्कुल. दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आर फीचर्स फ्राम ईच पेरेंट्स. ये क्यों होता है कि हम कुछ आधी खसूसियात, दोनों से आधी आधी खसूसियात लेते हैं. इनहेरिट होता है लेना, हाफ फीचर्स कुछ मदर से और कुछ फादर से, ये नेचुरल प्रोसीजर है. सो गो ऑन नेक्स्ट पेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ खसूसियात लेते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के थ्रू वो कुछ चेंज हो जाते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देयर आर मेनी काइंड ऑफ डॉग, दे हैव सिमिलरिटीज़ बिकॉज दे आल आर पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज. डॉग बर्ड आर द सिमिलरिटीज़ इन डिफरेंसेज बिटवीन द डॉग्स इन द पिक्चर. आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइक मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कुत्तों के बारे में, लेकिन थोड़ा सा है कि ये जो है ये जर्मन डॉग बेसिकली ये होता है, और ये जो डॉग होता है पडल लाइक मोस्टली जो होते हैं ना बर्फानी एरियाज वहाँ होता है, और ये भी एक अलग से किस्म है. देन फिल इन द ब्लैंक्स. द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रॉस हॉपर हैज़ 3 स्टेजेस. हमने पीछे पढ़ा है द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस. सो ये आपने इसको फिल करना है. टर्न द नेक्स्ट पेज. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. The adult plant has roots, stem, leaves and seeds, but it also bears flowers. In some plants, the flowers develop into fruits which contains the seeds. अच्छा, जहाँ यहाँ पर फ्लावर का जो लाइफ साइकिल है वो दिया गया है, सीड, सीड से जर्मिनेशन ऑफ सीड, एंड देन क्या है, सीडलिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सीड और कुछ एक दो पत्ते नज़र आते हैं, देन अडल्ट प्लांट एक पौधा बन जाता है, थोड़ा सा फूल वूल निकल आते हैं, देन फ्रूट विथ सीड्स और कुछ फ्रूट और सीड्स कुछ